आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। हमारा मकसद यही है कि आप सभी को हेल्प करना आपके CA बनने में। और उस श्रृंखला में हम लोग SFM का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल एक होता है, एक फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल पढ़ा था, फॉर्मल का हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया था। अब फाइनेंशियल मार्केट की बारी आ गई है, ठीक है। अगला टॉपिक अपना है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? आई मीन क्या क्या इसमें कवर होगा? द फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटीज बॉन्ड्स करेंसीज डेरिवेटिव टेक प्लेस, जहां पे इन सारी चीजों को बाई और सेल किया जाता है, बाई और सेल ट्रेडिंग किया जाता है ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटीज बॉन्ड्स करेंसी एंड डेरिवेटिव टेक प्लेस। Financial markets can be divided into money market and capital market. Yes, it can be divided into money market and capital market. Money market is a market for the short-term securities having a maturity period of less than 1 year. इसमें उन सारी securities की बात की जाती है जिसकी maturity period, I repeat, यहाँ पे ये बहुत ही important है कि जिसकी maturity period जिसका क्या है, less than 1 year, ओके। और कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 year। अब यहां पे क्या होगा, मोर देन 1 year, दिस इज व्हाट, दिस विल बी अ कैपिटल मार्केट। फर्दर, कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इसको भी हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड कर देते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू द पब्लिक एट द फर्स्ट टाइम, वाइल सेकेंडरी ट्रेडिंग होता है। मैं बता देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है। ये सपोज कोई प्राइमरी मार्केट है और ये सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ पे IPO इशू हुआ, पहली बार जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब वो जो लिया गया पैसा, जो शेयर, सपोज करो एक कंपनी ने शेयर इशू किया है, अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर आते हैं, एक के बाद अगर दूसरी तीसरी लाती है तो IPO कहाँ होगा, प्राइमरी मार्केट में होगा। और जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर ट्रेडिंग होगा। जब ये आपका इशू हो गया तो सिक्योरिटी एक्सचेंज में जो लिस्टेड हो जाएगा अपने इंडेक्स पे, तो वहाँ पर ट्रेडिंग होगा, बाई और सेल किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी पैसा जुटाती है प्राइमरी मार्केट से, और यहाँ पर जनरल पब्लिक लोग ट्रेडिंग करता है उसका, एज पर डिमांड और सप्लाई वो अपना पैसा कमाता है। टेक प्लेस इन दो सिक्योरिटीज आर ऑलरेडी इशूड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को पहले ही इशू हो गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं, और वही सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे इशू होने के बाद ट्रेडिंग की जाती है, बाई और सेल किया जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे खरीदा जाता है। मेरे पास, मैं अपने अकाउंट में जाके आपको बता देता हूँ कि बाई और सेल कैसे करते हैं। आपको एक बात जान के अच्छा लगेगा कि बाई भी कर सकते हैं आप शेयर और सेल भी कर सकते हैं। आपको पता होगा आई गेस या नहीं, बट आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास पैसा है, आप बाई कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, मतलब बिना खरीदे बेच सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में। सिक्योर जो आपका स्टॉक मार्केट है वहां पे आप बिना खरीदे सेल भी कर सकते हो। और आइए देखते हैं एक बार, चलिए देखते हैं। मैंने एक शेयर खोल के रखा हुआ है इन्फोसिस का, बट अभी मार्केट ओपन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, बाई का भी ऑप्शन आ रहा है, सेल का भी ऑप्शन। मैं इसको बेच सकता हूँ, सपोज करो मैं इसको 100 रुपये पे, अभी का मार्केट प्राइस है 734, सपोज करो 700 पे मैं इसको अभी बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, सेल करने के बाद मेरे को खरीदना भी पड़ेगा
जैसे यहाँ पे मैं सेल कर दिया, ठीक है, इसमें भी इंट्राडे आता है, और मतलब विद इन डे आपको बेचना है या खरीदना है उसका भी ऑप्शन है, या फिर डे का भी ऑप्शन। इंट्राडे, इंट्राडे मतलब सेम डे परचेज सेम डे सेल, मतलब इन डेप्थ आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, अगर मेरे को इन्फोसिस का शेयर खरीदना तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बाई का ऑप्शन क्लिक करूँगा और यहाँ से खरीद लूँगा। तो ये क्या है, ये एक सेकेंडरी मार्केट है। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बता रहा था आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग परचेज एंड सेल कैन बी डन, तो वैसे यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो, दोनों काम हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि बिना खरीदे भी आप बेच सकते हैं, जैसे मैं इसको चाहूँ तो भी बेच सकता हूँ, मार्केट जैसे ओपन होगा मैं इसको बेच सकता हूँ, ठीक है। अब बेचने के बाद सपोज करो मैं 700 में बेचा, फिर मेरे को एक खरीद के उसको काटना पड़ेगा, मतलब ऐसे समझो, सपोज करो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ इन्फोसिस को 700 में, ठीक है, मैं यहाँ पे बेच दिया इसको, ठीक है, तो मेरे को फायदा कब होगा। सपोज करो मेरे को पता है कि शेयर का दाम घटने वाला है, सपोज करो इन्फोसिस में कोई बुरा न्यूज आ गया, स्टॉक को फॉरेन एक्सचेंज का जो अपना इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर गया, सपोज करो अभी 70 है तो मान लो 76 हो गया, तो क्या होगा, इन्फोसिस का दाम गिरेगा। तो मैंने क्या किया, तुरंत उसको बेच दिया, 700 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये दाम गिरने वाला है। फिर जब दाम गिर गया तो मैं 640 पे खरीद भी लिया इसको, तो इसको बेच के इसको जब खरीदा तो इसको बोलते काट देना, फिर मेरे को 60 का फायदा हो गया, ठीक है। ऑल दो उसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं, उनका मार्जिन है, बहुत सारी चीज़ें हमें पे भी करनी पड़ती, बट मोटा मोटी ये समझिए कि आप बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, क्या अगर प्राइस अगर गिरने वाला तो उसमें बेच दो, जब गिर गया एकदम तो उस समय खरीद लो, फिर वहां से कट जाएगा, और जब आपको पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो खरीद लो, बाई कर लो, सेल मत करो, दोनों काम आप कर सकते हो। और इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक सेम डे परचेज सेम डे सेल, इंट्राडे परचेज और इंट्राडे सेल बोला जाता है उसको, ठीक है। मतलब सेम डे परचेज, जैसे मैं यहाँ पे सपोज को इसको परचेज बाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आएगा, देखो ये एक ऑप्शन ये भी आता है, मार्केट रेट पे खरीदना है या फिर कोई लिमिट लगा के खरीदना है कि आपको कितना रुपया पे आएगा तो खरीदना, ऐसा नहीं जैसे आपको तुरंत खरीदना तो मार्केट रेट यहाँ पे प्राइस नहीं बताएगा, जो मार्केट का रेट रहेगा उसी से आप खरीद लोगे, लेकिन लिमिट लगा दो कि भैया नहीं मेरे को जब इतना दाम घट जाएगा, सपोज करो मेरे को खरीदना है 720 पे, जब 720 अभी 734 है, जब 720 आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको खरीद लेगा, आपको एक सेल लगा के चले जाएंगे, ठीक है। और ये है डे और ये इंट्राडे, मतलब इमीडिएट कैंसिल और परचेज, मतलब सेम डे खरीदो सेम डे बेच दो, ये वाला है, मतलब आपको उसी सेम डे पे इसको सेटल करना पड़ेगा। तो ये रहा बाई और सेल का ऑप्शन, यहाँ पे आप इनडेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हो कि भैया देखो ये कितना में बिड लगाया जा रहा है, कितना कितना, ये मार्केट जब ओपन होगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल खुल जाएंगी, आज का हाई क्या है, क्लोजर क्या है, इतना हाई गया तो इतना, ये लास्ट डे का डेटा बता रहा है, ये इस डे का नहीं है, बिकॉज अभी मार्केट नहीं ओपन हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर प्रीवियस डे का बता रहा है, जब भी मार्केट ओपन रहा होगा तो, ठीक है। चलिए आई होप इसका चार्ट देख लो, चार्ट क्या है बेसिकली यही है। तो मेरा कहने का मतलब इतना था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से समझाना, तो सेकेंडरी मार्केट में आप परचेज और सेल कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ इशू होता है, और यहाँ पे मैंने दो चीज़ और बता दी कि भैया फाइनेंशियल मार्केट इज मार्केट और ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटी, मैं इक्विटी खरीद रहा था, बॉन्ड करेंसी डेरिवेटिव भी आप खरीद सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च करके आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे ये सारा मैंने इक्विटी ही रखा हुआ है। ऑल दो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये है फाइनेंशियल मार्केट आपका, और फाइनेंशियल मार्केट मैंने बताया एक, अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में एक पार्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डील होता है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदा मतलब पैसा खरीदा और बेचा जाता है, जी हाँ। उसके बाद कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में इक्विटी और डेट आ गया, और मनी मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया। मनी मार्केट मैंने बताया था, जिसमें जहाँ पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कैन डिवाइड इनटू मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यहाँ पे छोटे टर्म के लिए सिक्योरिटीज रहती है, दैट इज लेस देन
1 ईयर, अब उसमें भी प्राइमरी है जो पहली बार होगा और उसके बाद जो सेकेंडरी है जहाँ परचेज और सेल किया जाएगा। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो वो तो एक साल के कम के लिए इशू नहीं करती है, वो हमेशा के लिए इशू करती है, लॉन्ग टर्म के लिए इशू करती है। इक्विटी और डेट मार्केट हो गया, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है और इक्विटी में डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है आप बस एक ऊपर से समझ लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव बेसिकली इट गिव्स यू अ राइट, ठीक है, जो आपको राइट देता है कि आप इस शेयर को बेच और खरीद सकते हैं। तो डेरिवेटिव में हम लोग क्या खरीदते हैं, राइट खरीदते हैं, ठीक है। उसका जब चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्राइमरी और इक्विटी में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो इनिशियल ऑफर्स होते हैं, इनिशियली जो कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, और सेकेंडरी जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। इसमें फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स बेस्ड, स्टॉक बेस्ड। फ्यूचर ऑप्शन में इंडेक्स बेस्ड भी होता है और स्टॉक बेस्ड, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको देखनी है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना और बेचना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट में इक्विटी और डेट, और मनी मार्केट में दैट इज लेस देन 1 ईयर वाला, और कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर वाला सिक्योरिटीज। तो फाइनेंशियल मार्केट ये हो गया। क्या है फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट के क्या है फंक्शंस? फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आर इन्यूमरेटेड एज बिलो। क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ द रेट एंड लिक्विडिटी। ये क्रेडिट को क्रिएट करता है, एलोकेट करता है, लिक्विडिटी भी क्रिएट करता है, एलोकेट करता है। टू सर्व एज ए इंटर, अब देखो आप पैसा फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हो, पैसे को सपोज करो आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पैसे का क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया आपका पैसा। तो जो पैसा कंपनी के लिए क्रिएट हो गया, तो कंपनी के लिए पैसा मिल गया, कंपनी के लिए क्रेडिट क्रिएशन हो गया। टू सर्व एज द इंटरमीडियरीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स, सेविंग्स को मोबिलाइज करना। आपके घर में पैसा रखा हुआ है तो उस पैसे को जब आप सिक्योरिटीज में लगाते हो तो मोबिलाइज हो जाता है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। घर में पैसा रहने से अच्छा है कि सिक्योरिटीज में लगा, जो इकोनॉमी में यूज होगा, कंपनी अपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी और इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, अपनी GDP ग्रोथ अच्छी होगी। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस, फाइनेंशियल कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फैसिलिटी ट्रांजेक्शन एट लो कॉस्ट, फाइनेंशियल मार्केट आपको इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन का एट लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टू कैटर एट द वेरियस क्रेडिट नीड्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या बिजनेस वालों के लिए, तो पैसे का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे वो अपने वेरियस क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है क्रेडिट का क्रिएशन और एलोकेशन, लिक्विडिटी का। टू सर्व एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करना, हेल्प इन प्रोसेस ऑफ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस प्रोवाइड करना लोगों को, फाइनेंशियल कन्वीनियंट रहता है स्टॉक एक्सचेंज। आपको 2 रुपये का भी शेयर खरीदना खरीद लो, 10 रुपये खरीदना खरीद लो, और आपको पैसे का क्या करेगा, ये मोबिलाइज करेगा पैसे को, आपको आपके सेविंग्स को लगाएगा, इन्वेस्ट कराएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि टू कैटर वेरियस क्रेडिट नीड्स, जितनी पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको पसंद आया होगा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। डेट इक्विटी आप खरीदते हो स्टॉक एक्सचेंज से। अपने यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE है और एक NSE है। आपको मैं दिखाता हूँ इन्फोसिस का BSE भी दिखाता हूँ, NSE दोनों जगह लिस्टेड है। ये देखो इन्फोसिस एक यहाँ पे भी है, और ये देखो BSE लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये BSE हो गया और ये है NSE। तो दोनों जगह लिस्टिंग होता है। प्राइसिंग देखो एकदम सेम रहेगा, 733.55, 734, मतलब नॉमिनल लिस्ट वो जैसे ही करेक्ट हो जाता अपने आप से, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो इंडिया में, ठीक है। और आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको
कैसे खरीद सकते हो, उसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट बोलते हो उसको, डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट मैंने खुलवाया था ज़ीरोधा से, इसकी चार्जेस बहुत ही लो हैं, आप यहाँ पे सर्च करोगे एक बार आपको पता चल जाएगा कि कैसे खोला जाता है। अब इस डीमैट अकाउंट से ही आप खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, जैसे बैंक है वैसे एक डीमैट अकाउंट है, वहाँ पे चीज़ें बिकती हैं, जैसे मार्केट है वहाँ पे भी मार्केट है, वहाँ पे चीज़ें बिकती है, आप खरीदो आपके पास आ जाएगा वो चीज़ें, फिर आपको बेचना है तो आप बेच भी सकते हो, ठीक है। उसमें आप बैलेंस ऐड करिए, खरीदिए, बस ये रहा। आप डेट भी खरीद सकते हो, इक्विटी भी खरीद सकते हो, इक्विटी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, डेट मार्केट बहुत कम फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फाइनेंशियल मार्केट के बाद कोई भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, अगर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी हेडिंग आपको पता है कि नहीं पता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दो पार्ट थे, एक था फॉर्मल और एक था इनफॉर्मल, हम लोग पढ़े फॉर्मल और उसका तीसरा पॉइंट अपने पढ़े, हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अब पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी पैसे में वैल्यू है, मतलब जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू डेट बेस्ड सिक्योरिटीज एंड इक्विटी बेस्ड, ये दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, डेट बेस्ड हो सकता है और इक्विटी बेस्ड भी हो सकता है। इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज में क्या आएगा, उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज ऑनरशिप बेस्ड सिक्योरिटीज एंड रिप्रेजेंट्स रिस्क कैपिटल। अब ये क्या है, सिक्योरिटी कैपिटल क्या होता है, आई एम सॉरी शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हो सो दैट इज अ शेयर कैपिटल, और आप जैसे उसकी खरीदते हो तो यू बिकम्स एन ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑफ फॉर सच परसेंटेज। सपोज करो आपके 1 लाख कंपनी शेयर इशू करती है तो आप अगर 10,000 खरीद सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू है, बट आदमी जनरली 100 खरीदता है, जनरल पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो जनरली आदमी 100-200 खरीदता है, 1,000 खरीदेगा, तो आप उस पार्ट का आप ऑनर भी बन जाते हो उस कंपनी के शेयर कैपिटल में, ये आपको सीधा उस कंपनी की ऑनरशिप दे देता है। एंड रिप्रेजेंट रिस्क कैपिटल, जी हाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका शेयर कैपिटल फ्लक्चुएट होगा, हाई और लो जा सकता है एज द परफॉर्मेंस। डेट बेस्ड सिक्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या है, जिससे आप पैसा मंगाते हो मार्केट से, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आपको पता होगा, डिबेंचर बॉन्ड सपोज करिए लोन है बेसिकली, आप वहां से पैसा लिए एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे जो आप देते हो उनको, बट सिक्योरिटीज कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब शेयर में जब शेयर इशू करते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं देते। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विच हैज टू बी रीपेड इन द फुल सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर इटसेल्फ, जिस समय हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देते हैं कि भैया आपका फुल रीपेमेंट कर देंगे और उसके पहले आपको 10% 7% इंटरेस्ट भी देते रहेंगे ऐसा। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी विच आर बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स कंपनी के बोरोवर और लेंडर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बॉन्ड्स आर जनरली यूज बाई द कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट्स एंड सोवरेन गवर्नमेंट्स टू रेज मनी एंड फाइनेंस अ वैरायटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। ओनर ऑफ द बॉन्ड्स एंड डेट होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द इशू। अब बॉन्ड्स और डेट होल्डर्स क्या होते हैं, आर डेट होल्डर्स, उनसे आप लोन लेते हो। बॉन्ड्स जब आप इशू करते हो तो बॉन्ड्स आर नॉट जस्ट पेपर, बॉन्ड जब इशू होता है तो ज़्यादातर ये लोग म्यूनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट, स्टेट्स, सोवरेन गवर्नमेंट्स, ये लोग इशू करते हैं और उस पैसे को वेरियस प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ठीक है।
शॉर्ट टर्म डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड फॉर वन ईयर ओनली. देखो शॉर्ट टर्म होगा तो वो एक साल या एक साल से कम होगा. सिक्योरिटीज फॉर दिस काइंड इन द फॉर्म ऑफ टी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स. लॉन्ग टर्म कमर्शियल पेपर और टी बिल के फॉर्म में ज़्यादातर इशू होते हैं. जो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड फॉर मोर देन वन ईयर. दीज आर द बॉन्ड्स डिबेंचर एंड लोन्स. और ये बेसिकली क्या होते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर और लोन्स, ये शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबे समय के लिए इशू होते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप समझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो ऐसी भी कोई भी चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है. अब इसको दो चीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, एक डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड. डेट बेस्ड मतलब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, और इक्विटी बेस्ड मतलब शेयर. तो दो कैटेगरीज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, एक डेट बेस्ड में दो चीज़ आ गई, बॉन्ड और डिबेंचर, और एक है इक्विटी बेस्ड. इक्विटी आपको ऑनर बना देती है कंपनी की, लेकिन रिप्रेजेंट करती है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. जबकि जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको पूरी तरीके से एश्योरेंस रहता है कि 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेरे को फुल रीपेमेंट भी मिलेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बॉन्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट्स ज़्यादातर इशूज करती हैं, जो बॉन्ड इशू करती हैं उनका क्या, कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी क्या रहती है, बोरोअर, जो पैसा बोरो करता है उसको बोरोअर करते हैं. बोरो मतलब मांगता है, लेता है, और इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं. तो वे लोग वेरियस प्रोजेक्ट्स में उसको लगाते हैं. अब ये दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, और शेयर वाला तो लॉन्ग टर्म ही होता है. लॉन्ग टर्म में बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एंड लोन्स आते हैं, ठीक है. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की समरी. फिर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्यूमरेटेड एज बिलो. लिक्विडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी, दिस कैन बी इजली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. अब ये बोल रहा है कि ये बहुत ही लिक्विड होता है, आराम से इसको आप कैश कर सकते हैं. जैसे आपके पास इक्विटी, आप बेच के पैसा ले सकते हो तुरंत. आपके पास डेट है, डिबेंचर, वो बेच के पैसा ले सकते हैं. मार्केटिंग या फिर पैसा मंगा सकते हैं. मार्केटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट इजी ट्रेडिंग ऑन द मार्केट. हाँ, बहुत इजीली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. दे हैव अ रेडी मार्केट, बिल्कुल रेडी मार्केट है. फाइनेंशियल मार्केट एक रेडी मार्केट है, वहाँ पे आप आराम से चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. कोलेटरल वैल्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एज फॉर गेटिंग लोन्स. कोलेटरल वैल्यूज के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. आप अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से, ठीक है. तो कोलेटरल वैल्यू मतलब एक जो गिरवी पैसा रखा जाता है उसको बोलते हैं कोलेटरल वैल्यू, की तरह काम करेगा आपको लोन लेने में. ट्रांसफरेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आराम से एक आदमी से दूसरे आदमी को आप दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो. भैया तो आपके साथ ही हम आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विडिटी है भाई साहब, हाँ है. मार्केटिंग आराम से कर सकते हो, उसके मतलब खरीद और बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो. कोलेटरल वैल्यू, जी हाँ कोलेटरल वैल्यू भी है, इसको रख के आप लोन भी ले सकते हो. ट्रांसफरेबिलिटी, इजिली ट्रांसफरेबल है. मैच्योरिटी, विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म. अभी किसी भी टाइप का इसकी मैच्योरिटी हो सकती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मिडिल टर्म. ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग कॉस्ट. जी हाँ, तो बाइंग एंड सेलिंग कॉस्ट आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन. इसको खरीदने और बेचने में कुछ खर्चे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट. रिस्क, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरी इक्विटी बेस्ड. बेसिकली इक्विटी बेस्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है. आप 100 रुपया लगाओ, कल कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो पैसा आपका गिर जाएगा. ओनली नॉट द परफॉर्मेंस, बहुत सारे फैक्टर्स है जो काम करते हैं उसको रिस्क बेस्ड बनाने में. इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर इन कंपैरिजन टू द डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन. भैया बोलो कि इक्विटी में आपने पैसा लगाया है और डेट में भी पैसा लगाया. डेट बेस्ड दो टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. तो इक्विटी बेस्ड में आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो क्या है भैया, इधर इंटरेस्ट मिलेगा उधर डिविडेंड. इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं, बट इसकी सर्टेनिटी है, ठीक है. अ कंपनी मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन द पर्टिकुलर. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर भी सकती है, हाउएवर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. हाउएवर पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज मोर और लेस सर्टेन अनलेस द कंपनी गेट्स इंसॉल्वेंट. हाँ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज मोर और लेस सर्टेन. ये जो डेट बेस्ड रहता है उसका तो इंटरेस्ट एकदम सर्टेन रहता है अनटिल और अनलेस कंपनी दिवालिया ना हो जाए. तो ये आपको ज़्यादा
लेस रिस्कियर रहेगा एज कम्पेयर टू द इक्विटी बेस्ड। फ्यूचर ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट फ्यूचर ट्रेडिंग सो एज टू कवर रिस्क अराइजिंग आउट द प्राइस फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट एंड फ्लक्चुएशन एटसेट्रा। सो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या करेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट फ्यूचर ट्रेडिंग सो एज टू लोअर कवर रिस्क सो एज टू कवर रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो जिसमें कि आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसमें आप एक राइट खरीदते हो शेयर को बेचने और खरीदने का, जिससे आप रिस्क को कम कर सकते हो। तो ये रही बात आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। लिक्विडिटी है, मार्केटिंग आराम से कर सकते हो, लिक्विड है, जब चाहो तब कैश में कर लो। कोलेट्रल वैल्यू भी इसकी मिलेगी, इसको रख के आप लोन भी ले सकते हो, इजीली ट्रांसफरेबल है। मैच्योरिटी पीरियड लेस देन भी हो सकती है, 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर्ड होता है, रिस्क इक्विटी में ज़्यादा होता है, इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होता है और डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कम होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग करके आप इसके रिस्क को कम भी कर सकते हो। ये होगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल मार्केट की बात। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्रेडिट रेटिंग ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।